बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज वीडियो रावलपिंडी वुमन यूनिवर्सिटी के एडमिशन फॉल 2024 के रिलेटेड है। रावलपिंडी वुमन यूनिवर्सिटी में एडमिशन फॉल 2024 जो है स्टार्ट हो चुकी है। सबसे पहले तमाम कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको तमाम एडमिशन्स, जॉब्स और स्कॉलरशिप्स की अपडेट जो मिलती रहे। इसके अलावा हमने स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन अप्लाई की सर्विसेज जो हैं वो भी स्टार्ट की हैं। आप घर बैठे कॉल या मैसेज के थ्रू हम अप्लाई करवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करवाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 03186845766 पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रावलपिंडी वुमन यूनिवर्सिटी में एडमिशन फॉल 2024 के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 26 अगस्त 2024 है। एडमिशन्स की बात करें तो एडमिशन जब इसके लिए BS प्रोग्राम्स और MPhil प्रोग्राम्स में ओपन है। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की बात करें तो एडमिशन जब इसके लिए BS बॉटनी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, जोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम, इसके अलावा BBA, साइकोलॉजी, पोलिटिकल साइंस, मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़, सोशियोलॉजी, फाइन आर्ट्स और इंग्लिश प्रोग्राम में ओपन है। MPhil प्रोग्राम्स की बात करें तो एडमिशन जो है बेसिकली MPhil बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जोलॉजी, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैनेजमेंट साइंसेज, मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज, साइकोलॉजी और इंग्लिश प्रोग्राम में ओपन है। एडमिशन्स के लिए अप्लाई करने के लिए अपने सबसे पहले रावलपिंडी वुमन यूनिवर्सिटी की जो मेन वेबसाइट है इसे ओपन करेंगे। वेबसाइट ओपन करने के बाद इधर आपके सामने ऑप्शन शो है एडमिशन पोर्टल का, इस ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने रावलपिंडी वुमन यूनिवर्सिटी का एडमिशन पोर्टल जो है वो ओपन हो जाएगा। सबसे पहले अपने एडमिशन पोर्टल पर अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट करना है। इधर आपके सामने ऑप्शन शो है न्यू हेयर साइन अप, इस ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सबसे पहले अपने प्रोग्राम जो है अपना वो सिलेक्ट करना है, कौन से प्रोग्राम में आप एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं ये सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद फर्स्ट नेम जो है अपने वो इंटर करना है, इसके बाद लास्ट नेम अपने इंटर करना है। इसके बाद इंटरनेशनल स्टूडेंट अगर आप हैं तो यस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इनकेस आप लोकल स्टूडेंट हैं तो अपने नो के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद अपने CNIC नंबर जो है अपना वो इंटर करेंगे। इसके बाद ईमेल एड्रेस अपने इंटर करना है। इसके बाद मोबाइल फोन नंबर अपने इंटर करना है। इसके बाद साइन अप के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। एडमिशन पोर्टल पे अकाउंट जो है वो क्रिएट करने के बाद आपको ईमेल के थ्रू लॉगिन पासवर्ड जो है वो रिसीव हो जाएगा। उसको यूज़ करते हुए अपने अकाउंट का अपने लॉगिन करना है। अकाउंट लॉगिन करने के बाद इधर आपके सामने ऑप्शन शो है एप्लीकेशन का, इस ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहले अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो अपनी वो इंटर करनी है। सबसे पहले अपने प्रोफाइल पिक्चर जो अपनी वो अपलोड करेंगे। प्रोफाइल पिक्चर अपने ब्लू बैकग्राउंड या वाइट बैकग्राउंड में अपलोड करनी है। जो है वो अपलोड करने के बाद सबसे पहले अपनी नेशनलिटी अपनी सिलेक्ट करनी है। इसके बाद प्रोविंस का नेम अपने सेलेक्ट करना है। इसके बाद डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपने डेट ऑफ बर्थ जो अपने वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद रिलीजन का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद ब्लड ग्रुप का नेम अपने सेलेक्ट करना है। इसके बाद अपनी इन्फॉर्मेशन बतानी है कि आपको रावलपिंडी वुमन यूनिवर्सिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन जो है वो किस तरह से हुई अपने ये सिलेक्ट करना है। इसके बाद नीचे अपने फैमिली डिटेल जो अपनी वो इंटर करनी है। सबसे पहले अपने फादर का नेम जो है अपने वो इंटर करना है। इसके बाद फादर का स्टेटस जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद फादर का CNIC नंबर जो अपने वो इंटर करना है। इसके बाद फादर का सेल फोन नंबर अपने इंटर करना है। इसके बाद फादर की एजुकेशन जो है अपने वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद फादर का प्रोफेशन अपने सेलेक्ट करना है। इसके बाद इसी तरह अपने मदर की इन्फॉर्मेशन जो है अपने वो इंटर करनी है। सबसे पहले मदर का नेम जो है अपने वो इंटर करना है। इसके बाद मदर का स्टेटस अपने सेलेक्ट करना है। इसके बाद मदर का CNIC नंबर इंटर करेंगे। इसके बाद मदर का सेल फोन नंबर अपने इंटर करना है। इसके बाद मदर की एजुकेशन अपने सेलेक्ट करनी है। इसके बाद मदर का प्रोफेशन अपने सेलेक्ट करना है। इसके बाद नीचे अपने सिबलिंग्स की डिटेल जो है अपने वो इंटर करनी है। इसके बाद अदर इन्फॉर्मेशन जो है अपने वो इंटर करनी है। इनकेस आपको हॉस्टल फैसिलिटी जो है रिक्वायर्ड है तो अपने यस के ऑप्शन पर क्लिक करना है, अदरवाइज अपने नो के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इनकेस आप एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ की बेस के ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो अपने यस के ऑप्शन पर क्लिक करना है, अदरवाइज अपने नो के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद अगर आप डिसेबल पर्सन है तो अपने यस के ऑप्शन पर क्लिक करना है, अदरवाइज अपने नो के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद अगर आप गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर, KPK और बलोचिस्तान रूरल की सीट्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो अपने यस के ऑप्शन पर क्लिक करना है, अदरवाइज अपने नो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और अपडेट के ऑप्शन पर अपने क्लिक करना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करने के बाद अपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो अपनी वो इंटर करनी है। सबसे पहले अपने सिटी का नेम जो है अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपने एड्रेस जो अपना वो टाइप करेंगे। इसके बाद सिटी का पोस्टल कोड जो है अपने वो इधर इंटर करना है। इसके बाद नीचे अपने परमानेंट एड्रेस जो अपना वो इंटर करेंगे। इनकेस आपका परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस जो है वो दोनों सेम है तो अपने इस सेम एड्रेस के ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपडेट के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करने के बाद अपने गार्डियन इन्फॉर्मेशन जो अपनी वो इंटर करेंगे। सबसे पहले अपने रिलेशनशिप सेलेक्ट करना है। इनकेस आपके फादर ही आपके गार्डियन है तो अपने अदर के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद फादर का नेम जो है अपने वो इंटर करना है। फादर का CNIC नंबर आप इंटर करेंगे। मोबाइल फोन नंबर आपने इंटर करना है। एजुकेशन जो है अपने वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद प्रोफेशन आपने सेलेक्ट करना है। इसके बाद मंथली इनकम जो है अपने वो इंटर करनी है। इसके बाद नीचे एड्रेस जो है अपने वो टाइप करना है। इसके बाद फी पेयर का नेम जो है अपने वो इंटर करना है। इसके बाद फी पेयर का CNIC नंबर जो है अपने वो टाइप करेंगे और अपडेट के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है।
गार्डियन इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करने के बाद अपने एकेडमिक इन्फॉर्मेशन जो अपनी वो इंटर करेंगे। इधर आपके सामने ऑप्शन शो रहा है ऐड एजुकेशन का, इस ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहले अपने मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन जो अपनी वो इंटर करनी है। सबसे पहले अपने डिग्री लेवल जो है अपना वो सिलेक्ट करेंगे। इधर आपके सामने ऑप्शन शो रहा है सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, इस ऑप्शन को आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अपनी डिग्री जो अपनी वो सिलेक्ट करनी है, मैट्रिक किया या ओ लेवल किया आपने ये सिलेक्ट करना है। इसके बाद स्पेशलाइजेशन आपने सिलेक्ट करनी है, मैट्रिक साइंस में किया या आर्ट्स में किया आपने ये सिलेक्ट करना है। इसके बाद पासिंग ईयर जो है मैट्रिक का आपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपने टोटल मार्क्स जो आपने वो इंटर करने हैं। इसके बाद ऑब्टेंड मार्क्स आपने इंटर करने हैं। इसके बाद परसेंटेज आपने इंटर करनी है। इसके बाद इंस्टीट्यूट का नेम जो आपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद बोर्ड का रोल नंबर जो आपने वो इंटर करना है। इसके बाद बोर्ड का नेम जो आपने वो सिलेक्ट करना है और मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड की पिक्चर जो आपने वो अपलोड करनी है और अपडेट के ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है। अपडेट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद इसी तरह अपने इंटरमीडिएट की इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करेंगे। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करने के बाद अपने सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद इधर आपके सामने ऑप्शन शो रहा है व्यू ऑफर्ड प्रोग्राम चॉइसिस का, इस ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने प्रोग्राम्स जो हैं वो शो हो जाएंगे। टोटल 3 प्रोग्राम्स जो हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रोग्राम्स जो हैं वो सिलेक्ट करने के बाद अपडेट के ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है। प्रोग्राम जो है वो सिलेक्ट करने के बाद अपने डॉक्यूमेंट्स की पिक्चर जो है अपने वो अपलोड करनी है। सबसे पहले अपने CNIC की फ्रंट साइड की पिक्चर अपलोड करेंगे। इसके बाद बैक साइड की पिक्चर जो अपने वो अपलोड करनी है। इसके बाद डोमिसाइल की पिक्चर जो अपने वो अपलोड करनी है और अपलोड के ऑप्शन पर अपने क्लिक करना है। डॉक्यूमेंट्स की पिक्चर जो है वो अपलोड करने के बाद अपने एप्लीकेशन को जो है वो रीड कर लेना है। इनकेस अगर कोई मिस्टेक है तो आप उसे एडिट कर सकते हैं। अदरवाइज अपने टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करना है और सबमिट एप्लीकेशन के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। सबमिट एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इधर आपके सामने ऑप्शन शो रहा है एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी वोचर का, इस ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी वोचर जो है आपका वॉश हो जाएगा, जो कि बेसिकली 1500 रुपीज़ का है, जो कि आप किसी भी बैंक ऑफ पंजाब की ऑनलाइन ब्रांच में जो है सबमिट करवा सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस जो है सबमिट करवाने के बाद अपने पेड चलान की पिक्चर जो है इधर अपलोड करेंगे। इसके बाद डिपॉजिट डेट आपने सेलेक्ट करनी है और अपडेट के ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी वाउचर की इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करने के बाद आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। थैंक्स वॉचिंग, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल।